बोल शेरावाली की जय हो। हाँ तो प्यारे सजनों, मैं अभी आपके सामने भगत दूधिया जी की कथा आप भी पेश करता हूँ। ये भी आपके लिए पेश करता है श्री भवानी कंपनी वाले। तो प्यारे सजनों, जैसी मेरे को आ रही है वैसी मैं अभी आपके सामने पेश कर दूंगा। बोल गुरु महाराज की जय हो। भगत दूधो जी जात का ब्राह्मण और कोड़ू के महीने होया तो दुकान किसी बात से मांगी मेहमा शुरू करे भगत लोग। बोल गुरु महाराज की जय हो। माई का चेला सिमरो सारदारे माई
सुगने मनावे सुगने मनावण ने रे जाए ए मई का चेला दिलड़ी ने मतना जाय रे बोला सिंबू सियाड़ जी महाराज की हो। हाँ तो के वह एक समय के महीने आपने दिल्ली के महीने कोई माता जगदम्बा का भक्त आ जावे अरे तो घूमते फिरते क्या दिल्ली के दरबार के आकर टिप्पण लाग रहा उन टाइम के महीने
बादशाह सलामत देख रहे बोलिया हाँ भाई ये कौन है भगत भी जान उन्हें बुलाओ। अरे जागे के दीवान क्या हमारा बादशाह गया पेश हो जाओ। बोले सालो भाई हाँ मन में विचार करियो रोटी जी मासी हाँ भी बादशाह बुलाओ की तो दान पुन तो कर दे ही सी अपन है। अब अपन जागे बुझे क्या हाँ भाई थे क्या भगत हो। बोले मैं माँ जगदमा का भगत हूँ। ठीक तो भाई यहाँ काम करो बादशाह सलामत कहना लगे वहां भगता ने कभी थे यहाँ काम करो माने थे माता जगदम्बा रा कोई साख साख परचो जो दिखाओ। अब कहने लगे महाराज महागंत कोई परचो है बोले तो थे के क्या चके डमका। अरे बोले मैं तो इंगे वास्ते चके फिर बाजार के महीने फेरी लगावा पांच दस शेर आखा बन जावे और 15-20 रुपया बन जावे तो मारला टाबर पाड़िया ही जावे। ओ काम करिया करा बोले जनिया काम करो ए डेरू डंका जगह तो मान चला दियो। अरे जठा धूप दीप बड़ रखांगा एर थे आपने कैदी खाने रे मैं फिट हो ही जाओ। भगत मन में विचार करियो हे माता जगदम्बे ओ केस वंज है तो क्या कवि की कल्पना है सजनो इसी बांति से बादशाह यानी आपके कैद गमाई ने जो भी भगत आवे बिना पकड़ गए कैद गमाई ने फिट कर देवे। क्यों क्या कोई साख साख भगत तो आए नहीं अब एक कोई घूमते फिरते कोई दूसरा भगत आ गयो भी नहीं बुलायो बिन देख बोलियो हाँ भाई तू क्या को भगत है। बोले मैं भी माता जगदम्बा का भगत हूं परचो दिखा। अब कवि की कल्पना है वो कहने लगे हो महाराखन तो कोई परचो है को नहीं। अरे और कोणू को मैंने दूधो जी नाम है जात का ब्राह्मण है और बे आपको साख साख जगदम्बा का दर्शन कराई देसी तो बोले बाने बुलाओ। बोले मैं तो बुला को उसका नहीं आप भी बुलाओ। बोले वे किसी बात से आज कहे बाने आखा देओ माता जगदम्बा का नाम का तो भी अठा आ जाया और सीधो बुलाना चाहो तो कोई भी आ जावे कोई काले तो कह आखा पर आखा भेज देवे पत्र पर पत्र भेज देवे जन कवि के वह कह गढ़ तो दिल्ली से आखा आविया दूधा जी रे एक कर मारे दिल्ली ने आवे आगे के वह आखा से भरिया कोठी ओबरा दूधा जी रे कागदिया से छाई पड़वा छांग दूधा जी ने जितने तक माता जगदम्बा रो कोई दृष्टांत नहीं हुयो जितने तक दूधा जी अहंकारो कौन करियो हाँ एक दिन के समय माता जगदम्बा दर्शा देवे के हाँ भगत दूधा अगर तू दिल्ली के महीने नहीं जाएगा और साख साख बादशाह को पर्चा नहीं दिखाएगा तो थारा पेटी बंद भाई है जिसका कैद के महीने मरी जाएगा बाने भी छुड़ाना है। तो दूधा जी महाराज ने निश्चित बन जावे कभी माता जगदम्बा अपने दर्शाव दे दियो ऐसी मन में सोच गई आपका चेला समय ने बुला लेवे चेला समय देख रहे बोले महाराज के को हो बोलो के वहां पर दिल्ली चाल में और बादशाह ने साख साख पर तो दिखा गई है। अब सारा लोग बर्जन ला गया बोलो दिल्ली नहीं जाओ और आखा है थारा मेट दियो बाकी दूधो जी कहने लग गया आखा मेटिया मारे नए सिर तो धरती चाले को नहीं बारे इया तो नहीं मान जानो पड़सी। बोलो तो थारी इंच है अपेल पर दूधो जी महाराज सुगन मनावे तो बान सुगन किसा को है कुमारी किन्या आंगन में छी पियो तो कमला पर बोलिया काला कागे चेला देख बोले महाराज ये देख लियो सुगन अरे मारी तो मानो तो नहीं चालो। बोलो रे बावली बात करो थे आ कुमारी किन्या इन तो मुठियो दांत को और कागा ना अपन सोने की सांस मंडा दे श्या आगे फेर कवि की कल्पना है फेर कहने लगे आगे फेर चाले तो कह मुंदे गड़ेरी पणियार मिल जावे भाई विधवा नारे चेला देख बोलिया गुरु जी आपके काम सर जेलो। अरे बोलो किया बोलो सारा सुगन एक रहे नी जका ये स्त्री के मायने है घड़ो है जो देख ले मुंदो चक्र बोलो नहीं रे भाई शाक शाक माता जगदम्बा का दर्शन आवे वो और आशा पर जान लाग रही है घड़ो भरग आवेगी तो इंगे वास्ते आप परचो दिखा गई आवांगा अपन साल छा तो सारा लोग भर जाए यानी दूधो जी भगत भरजो लागे को नहीं तो आगे दिखाण किसी बांति से आपका चेला समय ना लेगे दिल्ली के मायने जावेर के अपनी राम सभा सुनी लेवे।
चालो दिलेड़ी ने जायर माई का चेला भक्ति करो मान लाए गोड़ू का दूधा शिवरो चार दारे माए का चेला समय यार लिया सात में दूधा जीरे चालो चालो दिलेड़ी ने जायरे माई का चेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा सिमरो सार दारे माए अबरे एक दो वासो वतो मार्ग महीने रे ग्योरे तीजे वास दिलेड़ी केसरिया तिले के चढ़ाए रे माई का चेला भक्ति करो मान लाए कोलू का दूधा सिमरो सार दारे माए बनावे तो दोवे दूधो बनो तो वो पेरारे माई जी को बरेने बनावे रे माई का चेला भक्ति करो मान लाए गुरु का दूधा सिमरो सार दारे माए अबरे केसरिया बागाया वे पेरिया दूधा जीरे वो क्यों हो गयो दिलेड़ी ने त्यार रे यरे माई का चेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा सिमरो सार दारे माए अजला तो मजला अबे चाल गयो दूधा जीरे
चालो चालो शेर महीने जाय रे माई का चेला भक्ति करो मान लाय गोलू का दूधा सिमरो सारदारे माए अबरे ढोल तो डेरू संग में बाजे ये दूधा जीरे संग बारो रे ओ गबराए कर्मार निजरा ने आय रे माई का तेला भक्ति करो मान लाय गोलू का दूधा सिमरो सारदारे माए बोल सेरा वाली की जय हो। अगर नगर निवासी सराजना पाले है यानी भगत दूधो जी पाल्या लाग्या कोनी तो आपके चेला समैया ने साथ में ले गए और रिमजमन कहे संग ने टोरी लियो। भगत दूधो चाल गयो जी भगत दूधो चाल गयो तो ले माई को नामे अरे गड दी लड़ी ने जा रयो तो लिए समैया साथ रे समैया देख रहे भले महाराज सारे गांव का वर्जन लाग रहे तो आपने कोई जरूरी थोड़ी है। बोले नहीं भाई कोई घबराने की बात कौन है अपन साथ साथ माता को परचो दिखा के आवांगा। तो दिल्ली गए नजदीक जागे और कवि की कल्पना है कि दूधो जी आपके संग ने ढावी लियो बढ़ जागे आपरा केसरिया बागे है जगह पैर लेवे और केसरिया तिलक चढ़ा लेवे माता जी को वरण है जगह बनाई लेवे। अब कहने लगे समय ये ना के हाँ ये काम करो भाई रे थे देखी पगने छोड़ दिया अरे और आपको आपका डेरू है जगह तैयार कर लियो थे भाई थारो ढोल ने तैयारी कर लो। तो कह सजनो दूधो जी भगत आपके चेला समय ने साथी क्या समझा देवे और माई के नाम को भागो लगा और दिल्ली के माई ने पहुंची जावे और टेन के माई ने बादशाह सलामत जो ऊंचा बैठा बे कहने लग्या क्या दूधो जी नहीं आके दो एक बारी महाराज निजरा ना आवे दूधो जी महाराज ने कोई भय तो हो को नहीं और साधो सीधो आप रो टग 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 मेला ने चढ़ी गियो और साथ में आपके समैया ने ले गए अब जानता है कि हाँ बादशाह सलामत बोलो माता जगदमा को पाट कट लगाना है। बोले पाट वाले बात आप बस कर श्या यानी भगत दूधो जी की परीक्षा करने के वास्ते बादशाह सलामत हो कोई मामूली बात नहीं 21 पीरांगी करामाती मन में सोचे हो कह हो सके कोई झूठा ही देवी ने बदनाम करे तो आप परीक्षा जरूरी ले श्या अब दूधे जी ने कह पाठ वाली बात तो पच करी अरे तू यहाँ काम करे माने पेल पोत कोई साक साक माता जगदम्बा का परचो दिखा
बोले यहाँ के परसों कोई गली में थोड़ो ही है, बोले आके बैठ जाओ। बोले बात तो थारी ठीक है, मन थे जागरण दिलाने के वास्ते माने बुलाया, बोले परचो दिखाने के वास्ते बुलायो, और परचो दिखाओ। बोले महाराज दिखा से परचो, कोई बात नहीं। तो आबे के काम करे दूधो जी महाराज, ले भवानी को नाम और दुकान किसी बांधी से बड़े ख्याल रचावे, और के अपनी राम सभा सुनी लेवे। एक छोटी की बात है, एक कोई भाई हो बिन भी ख्याल रचायो, बिन ख्याल किया रचायो, बिंगे कोई लड़को जन्म लियो, तो बिन जोशी जी महाराज ने बुलावे, कह दादा कह हाँ कह थे यहाँ काम करो, मारे छोरे को नाम ऐसो राख दियो जो को कोई किंगे सागे मिले ना, इसो नाम राख दियो। वो मन में सोचे इसो की नाम राख सिया, अब वो देख रहे बोलियो क्या कितना रुपया राखना है, 20 रुपया राखना है, बोले के नाम है, बोले अनिल, भल चाहिए कौनी, तो 50 रुपया को, बोले के नाम है, बोले सुनील, बोले वही कौन सी है, ऐसो ही कोई नाम राख दे जो किंगे सागे नहीं मिले। अब जोशी जी महाराज देख रहे बोले ओ भाई थारा छोरा के नाम है घोटी, हो किंगे सागे मिले नहीं। अरे बोलो ठीक, यानी कहने लग्या क्या थारा छोरा का नाम है चोपड़ो, चोपड़ नाम किंगे सागे कौन मिले नहीं। बोलो ठीक है। अब भी रे एक लड़की होगी, भी लड़की देख बोलो जोशी जी इंगो नाम और राख दियो, किंगे सागे नहीं मिल सके। बड़े जोशी मन में सोचो बड़ो हट लियो इन, तो वो भेद आप रही मैंने देख रहा है, बोले भाई कोई विद्या के केसर के किस्तूरी राख दियो। बोले हैं, तो बोले भाई थारी छोरी का नाम है वो बरो किंगे सागे कौन मिले, चूल्हा में तैयार किए। बोले अब ठीक है, अब फिर दो बल्द बिंगे, एक को नाम राख लियो घोटियो, और एक को नाम राख लियो बटाउडो। अब एक दिन के समय में कोई बांगे घरे संबंधी आ जावे, तो वो ख्याल बनावे, वो आगे बैठ गयो। अब घरवाली देख रही बोली कहते व्याण जी सा रोटी चोपड़ा यहाँ खासे हो पहली, बिन मन में सोची आप लूखी रोटी क्यों खाओ, आप चोपड़ा से नहीं खासिया। हाँ चोपड़ी रोटी खासिया। हाँ बोले जन बैठ जाओ। अब वो चोपड़ा आ गयो, बिन मन में सोची बेटा ऊ कहो सके ई गांव में चोपड़ को नहीं, चोपड़ मिलियो को नहीं आज तई, बोलो के आयो को नहीं, इतन बो चोपड़ा आयो, चोपड़ा तो कह मां तू बटौड़न बांधी हूं घोटिया ले आऊं। अरे बटौ मन में विचार कर ले, अभी तन कूट सी बांध गए बटौ के काम करो, धीरे धीरे लार ने सिरक्यो पूड़िया का नहीं, तो खने पूड़िया अपने आप पूड़िया का मांगने पड़ गयो। अब छोरो भी बड़दिया ले आ जावे, कह मां बटौड़न बांधियोगे, बोले बांधू के बेटा मेरे खने बोबर है, बोबर नाम सॉरी को, तो बोले भोबर ने नाक बाल पूड़िया में, अब पूड़िया का नाम लियो रीड़ी देख, बोले तू अट गए ले रे। बोले रे मन यहाँ बताओ बेटे बाबू रोटी चाहिए नहीं, जिमा मन लुखी जिमा मन को चोपड़ की जरूरी को नहीं, अरे थे मन बाड़ो क्यों, बोले बाड़ा में क्या मियाँ तू पूड़िया में क्या वास्ते बैठे। बोले यार थारो घोटियो नाम किंग, बोले मारा बड़द को, चोपड़ नाम किंग, बोले मेरो बटाउडो नाम, बोले काणी बड़द को, अरे भोबर नाम है, बोले छोरी को थाने सालों कोई बेकूफ बामण मिल गयो, तो एक सीसी बांधी सा बे ख्याल बियां रचायो, अर दूधो जी महाराज दिखा किया ख्याल ही रचा है। अबे भगत दूधो जी महाराज बादशाह के सामने दिखाने किसी बात से ख्याल रचा, बोल शेरां वाली की जय हो। बनारे भैया ऊंचो बैठो एक बारी बाद चाबो बोले रे, आजर नाजर माता जी दिखाए ये माई का चेला रही भक्ति चौकोरे दिराय रे माई का चेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा सिमरो सारदारे माए।
दुनिया ने भर मायरा भाई का तेला भक्ति करो मान लाए खोलू का दूधा सिमरो तार तारे माए आहो पेलो तो डाव दूधो सुई गोड़ा के लरे रयो रे यो दुनिया ने भर माया दिखाए ए माई का चेला भक्ति करो मान लाए कोड़ू का दूधा सिमरो तार तारे माए हाँ ए सात उड़ाव मारा चेला चांटी के ले तू आजर नाजर माता जी दिखाए माई का चेला भक्ति करो मान लाए कोड़ू का दूधा सिमरो तार तारे माए ऐसा ऐसा डाव मारा गोड़ बाजिया खेले रे आदर नादर माता जी दिखाए माई का तेला भक्ति करो मान लाए कोड़ू का दूधा रयो रे यो दुनिया ने भर माए माई का तेला भक्ति करो मान लाए कोड़ू का दूधा सिमरो तार तारे माए आहां बोले वो बात चारे क्या के वह दूधा जीरे तेरी आजर नादर माता जी बताए माई का तेला भक्ति करो मान लाए कोड़ू का दूधा सिमरो तार तारे माए ओ का तो बता दे तेरी माता ने दूधा जी नहीं को चालो चालो के दड़ली गए माए का तेला भक्ति करो मान लाए कोड़ू का दूधा सिमरो तो दिल करे दरे वार मैं दू तो जीरे रयो रयो अखाड़ो लगाय रे माई का तेला भक्ति करो मान लाए माई का तेला सिमरो तार तारे माए बोल शेरां वाली की अबे दिल्ली के महीने जावे है उन टाइम का महीने बादशाह सलामत उनसा बैठा तो बे कहने लगा हां दूधा जी आप यहां काम करो या तो थारी साग साग माता जगदम्बा की कोई न कोई चमत्कार मान दिखाओ दिखा जाओ अर नहीं दिखाओ नहीं तो के दिखानी क्या रो जाओ आ भगत दूधो जी महाराज माता जगदम्बा के राम गो पाठ बड़ पुरा लेवे
अरे सो गोबर मंगा गे चोको दिरावे और हीरा पना से चोकी पुरावे। बात चादे अगर बोलियो किलो की के मंगाया है मनगण मंगा लियो बोलाई मैंने साग साग माता भगवंती की कोई परसो दिखा दियो। अगर परसो नहीं दिखाओगा ना तो मारी केद के मैंने 360 भगत है थारा जियाल का बटे थे चालो और बटे वे मोटोड़ी चमचे डेन थाने खाई जसी। अब चेला आज का घबरा गया बोले ले भी आ वहा तांपण सा के हुई छोड़ो डेरू लमका। हाँ चेला उठा लिया चालन ला गया दूधो जी देख रहे बोले अरे कोई घबराने की बात नहीं है या तो माज एकदम है नहीं और है तो आपनी जरूर संभाल कर ही लेसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज चित्रिया धूप दीप कर गए और अब दूधो जी महाराज पेल पोते सुई गोड़ा को डाव खेले रे ओ दुनिया ने भरमाए अरे और दूजे है थड़किया गए डाव खेले तो अब उम्र रे हो गरनाए बाचा सलामत कहने लगा ऐसा ऐसा डाव मारा घोड़ बाजिया खेले तू हजर नाजर माता जी दिखा बेटी का बाप ए माने के तू बरमाने की बात कर रखी है ए तो घोड़ बाजी सदा ही दिखावा माने ओहो ख्याल तू थारी माता जगदम्बा एवार हो कोई न कोई चमत्कार दिखा। अरे दूधो जी महाराज मन में क्रियो ले भी माने गोनी आवे माता ने मना गे और तैयार हुए धूप दीप कर गए आपको ले गए खांडो और खांडा ने धूप लगा गए श्राण पर चौकी त्रिया लगा गए। अब चेला देख रहे देखो भाई चलो जीते तक माता जगदम्बा नहीं आवे जीते तक थे पग मना छोड़ दिया। अरे घबराए ना घबराने की कोई जरूरी कोनी है और बिनू बादशाह ने कहे कहा बादशाह सलामत आपने परचो देखना बोलो देखना है बोलो जन थे यहाँ काम करो सो कितनिया थारा बैठ जाओ स्टेट के ऊपर। अरे और तीन दिना की मोहलत है अगर तीन दिना का मामा माता जगदम्बा आगे परचो थान दिखा देवे जन तो ठीक है अगर नहीं परचो दिखावे तो इस दुनिया के मायने माता जग जननी का भगत कोई आज हुए न कोई काले भगत। दूधो जी महाराज ले गए खांडे ने और दिखान किसी बाती साहब के गर्दन पर झोंके और के राम सभा सुनी दम का ससी से उतारियो रे का चेला भक्ति करो मान लाया गोलू का दूधा सिमरो सारदारे माए महारे ले ये तो खंडो दूधे गर्द नहीं ऊपर धरियो रे दम कैसे सीत रे उतार रे माई का तेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा सिमरो सारदारे माए आंगड़ तो दिली गो अब बाद स्या वो स्यानो रे सीस ने लियो रे उठाय रे माई का चेला गति करो मान लाए कोड़ू का दूधा सिमरो सारदारे माई
सोचा वो छाणो रे शीश न लियो रे उठाय रे आएगा तेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा किमरो सार दारे माए आगट तो दिल के ए करे बार मैं दूध है जीरे दियो दियो हो मरे रसाय रे बुलाय रे माई का चेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा किमरो सार दारे माए हां शाणा तो डाक टरवे काल करे या ग्यारे रे यारे या नबे जे दिखाय रे माई का चेला भक्ति देवो देवो जमी में गडाय रे माई का तेला जिमरो तार तारे माए गोलू का दूधा भक्ति करो मान लाए ओहो दूजो सरे बड़ो बोलिया उठे बोलो रे देवो देवो गंगा में बवाय रे माई का तेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा सेवा करो मान लाए करे तीजो सरे बड़ो ओ न्यू उठ बोलो रे भायो लेवो तारी माता जी मनाए भाई का तेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा लिया भंगिया ने बुलाय रे माई का चेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा भक्ति करो मान लाए ओ बोले जला दो ताने क्या केवे बाद सारे तो नी लगावा में तो हाथ माई का चेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा जिमरो सार दारे माए एक भंग्यांगो छोरो ओ न्यू उठ बोलियो रे कोनी लगावा में तो हाथ रे का चेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा जिमरो सार दारे माए ओ दूजो भंग्यांगो छोरो ओ यां उठ बोलियो रे कठे सारी सार दारे माए माई का चेला भक्ति करो मान लाए गोलू का दूधा सेवा करो मान लाए ओ बोले समैया ताने क्या कहवे माता जी ये अदर नजर पर तो दिखाए कहने लगे प्यारे सजनों बादशाह कहने लगे कह दूधा जी
कोई न कोई साग साग माता जगदम्बा का पर्चो दिखाओ। अभी लो उन टाइम का मैंने दूधे जी भगत आडी उबी कनाता अंतरण वाले बे और खांडा ने धूप लगा गए और गर्दन पर धोकी देवे गर्दन पर झोंक गई और धमकिया की शीश उतार के धरी दियो ओले पर्चो। उन टाइम मैंने बादशाह मन में सोचो बादशाह सियाणो हो बोले भाई ओ जो शीश है नी इन्हें तो आप उठा लेवा माता जगदम्बा शीश डाने के वास्ते आवेगी तो अपन दर्शन करी देवांगा दर्शन होसी जरूर। ऐसी मन में सोच के हाथ का मैंने उठा लेवे और दिल्ली का मैंने देखो भाई ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है दिल्ली का मैंने पांच सात श्याणा बाबा ने बुला लेवे बुला दे बोले नब्ज देखो तो खान सांस आवे कोई नहीं आवे श्याणा हाथ पकड़ के देख रहे बोले महाराज मारी मानो नहीं जन तो क्यों रुखाड़न लाग रहे हो। बोलो तीन दिन का वादा किया है जो वादा किया तो निमाना ही पड़ेगा। बोले वादा वादा बस ठीक ठाक है एक देख रहे बोले गंगा में दिरा दियो दूसरा देख के बोलियो क्या जमीन मैंने दबा दियो आपने कोई पीर पकम रो लियो वंजी सी आपने पंथ मिला लियो। तीसरा देख रहे बोलियो उल्टो काम मना कर लिया हाँ जे माता जगजननी आ गई नहीं तो आपनो खेनास करी देवेगी। बोलो कर दे सी कि छाना थोड़ा ही है अब जलादान बुला लेवे और जलादान बुला रहे कहने लगा क्या देखो भाई आ रो कोई न कोई विचार करना है। बोले क्या गो बोले जमी मैंने दबा दो भंग्यांगा छोरा देख रहे बोले महाराज मैं तो हाथ लगाऊंगा नहीं है तीन दिन तो मैं हाथ लगाऊंगा इन पक्ष कोई सोचांगा। एक दिनों देख रहे बोले रे समयो थारी माता जी ने मनाओ इकट्ठे गई थारी शारदा हुआ नहीं आज ही तीन दिन में अब बांक एक काम करो देवी ने मनावे उन टाइम देव मांगने देवी धोलागढ़ से दिखाण किसी बांधी से साले कह देवी कलकंता की काली बावे हाथ बजावे ताली दुश्मन को मारण साली हाथ में सूंत लेई दरबारे और बादशाह नारा दिखाण किसी बांधी से परचो दिखावे और किया आपके शेर ने बुलाई लेवे कजड़ी तो बन सेंदे रे ए चाली तो ककाली रे बीत सेंदू रे होले रे चाली ककाली ओ बातो चाली रे चाली दिल्ली महीने रे आवे वो ओहो कजड़ी तो बन से देवी साली मकाली रे शेरावाड़ी रे साली कैकाली चाली रे चाली दिल्ली मायने रे आवे ओरी मेजी मैं ये चाली भवानी रे और देवी रे चाली चाली रे चाली दिल्ली मायने रे आवे आहो माथे रो तीर देवी मोड़ा पर राड़ो रे और देवी रे मोड़ा पर चाली मेला मायने रे आवे ओ रे हाकल मार देवी तू देख न आवे रे अरे वाह मेरा गुंगिया
कन्हैया ने बतड़ावे वो से चढ़ायो रे अब दूते जी गोरे शीश श्याने पर चौधी खाय ओ बाद चगे डोलिया नर मुंदो दे मारो माता जगजननी मन में विचार करियो कभी भक्तन सागे के अणी होगी ऐसी मन में सोच गए और भैरू जी महाराज ना वाला भैरू ओ भैरू अरे भाई जल्दी जल्दी मारो शेर लिया आयो अबे हाकल मार गए दुर्गा शेर ने बुलावा तो शेर बनेंगे भाई नहीं डरावे शेर पर चढ़ गए और दुर्गा दिल्ली के महीने पहुंच जावे दुर्गा के काम करो शेर ने तो छोड़ दे और उपाड़ी होगी माथे वो चीर जो तो मोड़ा पर धर ले वे और रिम जिम चाली सीधी दूजे जी भगत खने आई नहीं भगत दूजे जी का खने आ गए और हाकल मार गए शीश चढ़ावे और दूजे जी ने पूछे हाँ क्या हाल की है बात बोल के करना इनके साथ में बोले माता आप भी जानो बोले तन कित दुख दियो बोले मुंद ठाई गोबड़े उनके दुख हो गए हो परंतु वे चेला देख बोले मां मानदिन आज चार हो गया एक दिन तो की कौन की मैंने अब तीन दिन में भूखती सा बैठा अरे पानी बादशाह देख बोले अभी साख साग माता को परचोता था देख लियो यार माता जी का दर्शन है जो पाई लिया बादशाह हाथ पकड़ लागो हाथ जोड़ने लागो उन टाइम का मैंने माता जगत जननी दिखाने किसी बांधी से बादशाह ने कहे अकल मार गए देवी और चढ़ गई मेलांगे ऊपर दी मेलांगे आगी लगाए पकड़ भुजा और बाचा सलामत न दूध भटक्यो अब उन टाइम का मैंने होरमी जकी मेल का मैंने खड़ी खड़ी देखन लाग रही के बिला भी बिना मतलब है आपन दुर्गा ने छेड़ ली तो उन टाइम का मैंने दिखाना आगे और किसी बांधी से माता आगे प्रार्थना करे और के आपनी राम सभा सुनी लेवे अल्लाह तो बां करती बेगम आवे रे जोड़ी वाले रे बेगम आवे वो ये देवी अब कै माने जाने ए हाथ तो जोड़े बादशाह ऐसी से निवावे अरे बादशाह रे सी से निवावे वो
रे दोड़ा गडने आवा सतारा भगत छोड़ देवा हे शेरा वाली ये भगत छोड़ा रे मैं तो माता जी का दर्शन आज रे पाया वो देवी